नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 5 जनवरी। सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स, कल हमने शानदार रिकवरी एमसीएक्स बुलडेक्स में आते हुए देखी। इससे पहले भी हमने कहा था कि एमसीएक्स बुलडेक्स में एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो हम अगले स्लाइड्स में आपको बताएंगे, जहां पे 15,800 का लेवल तोड़ने पे 16,100 से 16,350 तक का भी लेवल हम एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। नो डाउट कल डॉलर में स्टेबिलिटी थी, बट यूके में जिस ढंग से 5 लेवल्स ऑफ लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, उसे सेंटिमेंट गोल्ड सिल्वर का सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैक्सीन वर्ल्ड वाइड चालू हो चुका है, बट नंबर ऑफ केसेस कोविड का बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली भी हमने देखा 1900 के ऊपर डॉलर इंडेक्स गोल्ड में काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, जो 1950 से 1970 तक का लेवल दिखा देगा। अनसर्टेनिटी अभी भी प्रिवेल कर रही है, जिसके चलते एमसीएक्स बुलडेक्स में कल हमने 2.5% के करीब की तेजी देखी है। टेक्निकली 16,000 के ऊपर काउंटर काफी साउंड है, स्ट्रांग है, जो 16,250 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कल सोने चांदी में हमने 2% से ज्यादा की तेजी आती हुई देखी। क्रूड में ओपेक की मीट के चलते अनसर्टेनिटी बनी थी, बट मीटिंग फेल हो गई है, आज उसके आउटकम थोड़े बहुत आ सकते हैं। नेचुरल गैस में 2% की तेजी थी। बेस मेटल में भी हमने 0.25% से 2% की तेजी बनते हुए देखी थी। निकल में 4.5% की तेजी थी, जबकि लेड में 2% की तेजी थी। ओवरऑल जिस ढंग से हमने देखा सोने चांदी में, डॉलर इंडेक्स की वजह से तो है तेजी, बट कोविड का कंसर्न है जो तेजी कर रखा है। टेक्निकली 51,100 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, थोड़ा ओवरबॉट हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने 1500 पॉइंट की तेजी देखी, तो थोड़ा भी पुलबैक मिले 51,100-200 के करीब लेके चलिए। 51,650 का इमीडिएट टारगेट है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक 51,000 के ऊपर है गोल्ड तेज रहेगा। चांदी हमने उम्मीद की थी 70,000 पार कर चुका है, 68,500 के ऊपर जब तक मेंटेन है, 72,500 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। क्रूड में आज ओपेक की मीट है, आउटकम आने में थोड़ा देर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं 3450 से 3550 का दायरा ही मार्केट में रहेगा। नेचुरल गैस साइडवे टू पॉजिटिव है जरूर, बट 92 के ऊपर जाने पे 94-95 तक ही जा सकती है। बेस मेटल में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कल हमने दिन के सेशन में अच्छी तेजी के बाद लेट आवर्स में थोड़ा पुलबैक जरूर देखा है, बट ओवरऑल जो डेटा पॉइंट है या फैक्ट्री एक्टिविटी दिखा रहा है चाइना में, वो एक्सपांशन मोड में दिखा रहा है। ओवरऑल बेस मेटल फर्स्ट क्वार्टर में तेजी ही रहेंगे, टेक्निकली ओवरबॉट होने के बावजूद वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। कॉपर है 600 के ऊपर 608-612 के लिए ले सकते हैं। जिंक 220-222 तक के टारगेट के लिए ले सकते हैं। निकल 1280 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, ये तोड़ता तो फिर से 1300 का लेवल पार हो जाएगा। एल्यूमिनियम लेड दोनों में ही हम साइडवे टू पॉजिटिव देखेंगे, जहां पे 165 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में, जबकि लेड 160 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं लगता है, एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है, बट 155 से 162 का जो रेंज है वो मेंटेन रहेगा। एमसीएक्स बुलडेक्स में लेके चलिए 16,250 के टारगेट के लिए, एमसीएक्स मेटल इंडेक्स में लेके चलिए 13,700 के टारगेट के लिए। एलएमई पे भी आज कॉपर जिंक निकल में तो तेजी है, जबकि लेड और एल्यूमिनियम साइडवे टू नेगेटिव है। इंटरनेशनल में गोल्ड 1940 पहुंच चुका है, 1918 के ऊपर जब तक मेंटेन है, 1956 से 1970 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। चांदी 27 के ऊपर स्ट्रांग है, जो $28 के लिए लिया जा सकता है। WTI और ब्रेंट दोनों ही स्ट्रांग तो दिख रहे हैं, बट ओपेक के आउटकम के बाद क्लियरिटी मिलेगी। नेचुरल गैस में आज तेजी रहेगी। विक्स में ड्रॉप के चलते इक्विटी मार्केट में रिकवरी दिखा रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज यूके में जो कंसर्न्स है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त भी 90 के नीचे है, बट जब तक 89.50 के नीचे नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी हम फिर से एक पुलबैक देख पाएंगे। डेटा पॉइंट में आज यूरो जोन से अनएम्प्लॉयमेंट के और रिटेल सेल्स के आंकड़े आने, यूएस से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने हैं, ओपेक के जेएमसीसी मीटिंग रहनी है, जिसका आउटकम आज दोपहर या आज शाम तक आ जाएगा। व्हीकल सेल्स के अंदर हमने इंप्रूवमेंट देखा, जो बेस मेटल और क्रूड को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। चार्ट की बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न दोनों ही एमसीएक्स बुलडेक्स में बना हुआ है, और जिन से हमने उम्मीद की थी कि प्राइजेस 15,820 के ऊपर निकलता है, तो 16,100 से 300 तक का लेवल दिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट 16,100 पार कर चुका है। 16,300 के लिए अभी भी बाइंग कंटिन्यू रहेगी। क्रूड एक बड़े चैनल में अटक चुका है, 3650 के ऊपर नहीं है, 3450 के नीचे नहीं है, दायरे में ही मार्केट ट्रेड करेगा। जिंक लोअर चैनल को छूने के बाद अब पॉजिटिव मूव कर रहा है, अगर 220 का लेवल तोड़ता है तो 224 तक का एक पॉजिटिव मूव देखने मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की रिपोर्ट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और